बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बगारीर। ये मोरक्कन डिश है, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगी और आप ज़रूर बनाइएगा और लाइक कीजिएगा। ये पैनकेक्स हैं। सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लार, मैदा 500 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, खमीर 1 टीस्पून और पानी। और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए मक्खन 100 ग्राम और शहद 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हम बाउल में मैदा, नमक और खमीर और पानी डालकर विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ब्लेंडर से हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई मैदे के लम्प्स ना रहें, स्मूथ बैटर बन जाए हमारा। अब हम इसे 1 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा खमीर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। 1 घंटा हो चुका, हमने रेस्ट दे दिया है। बैटर देखें इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। फ्राई पैन हम गरम करेंगे और उसमें ये बैटर डालेंगे। हम कोई कोई ऑयल, कोई मक्खन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने के लिए। हम बिल्कुल ग्रीस नहीं करेंगे और सिर्फ पैन गरम करेंगे और उसमें ये बैटर डालकर फैला लेंगे और स्लो हीट पे इसे पकने देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए, ख़ुद ही पकेगा। और ये जो इसके होल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो यही इसकी ख़ासियत है पैनकेक्स की। जितने ज़्यादा अच्छे होल्स होंगे उतना ये समझें आपने बेहतरीन बना लिया। इसकी यही ख़ासियत है, होल्स बनते जाएंगे और ये पकता जाएगा। इसे टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से हम लाइट गोल्डन कलर देंगे और ऊपर से बस ऑटोमेटिकली खुद ही पक जाएगा। देखिए ये पक चुका है, बस अब पकने वाला है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये पक चुके हैं हमारे बगारीर। मोरक्कन फेमस डिश है ये। एक और हम बना के आपको दिखाएंगे। फ्राई पैन हमने गरम किया और उस पर बैटर डाल के हमने फैला लिया। अब बर्नर पे रख के हम आहिस्ते आहिस्ते इसे पकाएंगे स्लो हीट पे, जब तक कि ये अच्छी तरह पक जाए। मेरे चैनल का बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। बस छोड़ देना है आपको चूल्हे पे रख के, खुद ही पक जाएगा। बैक साइड से हम इस ऐसा लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, देखिए इस तरह। अब टॉपिंग के लिए हम पैन में मक्खन डालेंगे, उसे गरम करेंगे जब तक ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें शहद शामिल करेंगे। शहद डाल के मक्खन में हमने मिक्स कर लिया है। अब हम बगारीर के ऊपर ब्रश की मदद से ये टॉपिंग लगाएंगे। शाम की चाय के साथ आप खा सकते हैं। इस पे चीज़ भी लगा सकते हैं शहद और मक्खन के बजाय, और खाली बटर भी लगा सकते हैं। जो भी आपको टॉपिंग चाहिए, आप बिना टॉपिंग के भी खा सकते हैं चाय के साथ, या सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। चीज़ स्प्रेड करके भी, रोल करके आप खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। कैसी लगी मेरी रेसिपीज़? नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।